मुखिया जी, आपके पंचायत चामा में अभी रमजान का महीना चल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं जो शराब के नशे में कुछ लोग जो है गाली गलौज या मारपीट कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमको जो फोन आया, हम मदरसा के पास थे, हमको जो है जिनके घर के घटना है उनकी लड़की फोन की, थोड़ा सा तेज आनंद फानंद में फोन की, बहुत काफी रोने लगी कि ऐसी बात है, जल्दी आइए नहीं तो यहाँ मर्डर होने वाला है। अब हम तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को लाए और यहाँ देखे कि ये लमसम 100 के संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो उस वक्त जो है उसका मोटरसाइकिल जो है इनके घर के पास, इनके घर में घटना हुआ है, फिरोज अंसारी के यहाँ मोटरसाइकिल अपाची लगा हुआ था, उस जगह कुछ डंडा भी रखा हुआ था, डंडा भी था। तो जब वहाँ देखे कि भाई वह लड़का दोनों अपने घर में, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा दूर पर है, 100 फीट के अंदर में, तो हम लोग इसको तहकीक किए कि भाई आखिर झगड़ा क्या है। तो झगड़ा बताया लोग कि झगड़ा हमारा इनके साथ कुछ नहीं है। हम लोग सोचे आखिर लड़ाई किस चीज़ का, भाई झगड़ा कुछ नहीं है। तो हम लोग वहाँ से लमसम सेक्रेटरी या सदर को फ़ोन किए और कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोगों को फ़ोन किए, वो लोग भी आए, उनके साथ ही हम लोग आकर के उनके घर पर जब है से बातचीत लगे करने, उनसे बातचीत के क्रम में वह जो है दोनों काफ़ी नशा के हालत में काफ़ी रेस थे, किसी को समझने को तैयार नहीं थे, पैंट पर पहने हुए थे, उनका शर्ट नहीं था, पूरा उघारे थे, गंजी भी नहीं था, उघारे थे, खाली बदन है। मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, पहुँचा हूँ तो कि किस हाल में है वो लोग। तो वह जो है एकदम किसी भी बात करने के तैयार नहीं थे, आप एकदम रेस थे कि बार बार उसमें बोल भी रहे थे कि उसको साले को सुबह होने दो, उसको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम बैठ करके काफी उन लोगों को समझाने का प्रयास किए, वो सुनने को किसी को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि वो हमें भी, जब हम इस बात को लगे करने तो हमें भी धमकी दिए, वो मुझे भी माँ बहन की गाली दिए उन्होंने, गोली मारने की धमकी दिए। मैं बोला कि भाई अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि यह मुस्लिम समाज में शराब जो है हराम है जी, बिल्कुल, और हराम है तो हराम काम से मैं, ये मेरा जब आ गया कि हराम काम को रोकना है, आखिर रोकेगा कौन जी? जब यदि हराम काम है और हराम काम को मैं नहीं रोकूंगा तो कौन रोकेगा समाज के अंदर जी? किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा। तो मैं इसके लिए तुरंत जो है से सभी लोग को बैठाया कि आप लोग बैठिए, इसका इलाज कैसे होगा। तो लोगों ने बताया कि भाई क्या होगा, ये जो है से किसी को धमकी देकर के दबाना चाह रहा है आवाज को जी, तो इसके लिए तो भाई कुछ करना होगा। तो हम तुरंत जो है से बड़ा बाबू को फोन लगाए जी, और फोन लगाए उनको बोले, वह जो है कुछ तो मेरे बातों को थोड़ा सा मैंने समझने का प्रयास किए, रात के वक्त था भाई, उनको भी लगा। तो मैं फिर दोबारा प्रयास किया, तो वह जो है से मैंने वहाँ से फोर्स को भेजे, और यहाँ भेजने के बाद जैसे ही लोग नाम सुन लिया कि फोर्स पहुँच रही है, तो हम लोग जो है फिरोज अंसारी के घर पे के पास हम लोग लमसम बैठे हुए थे, इनका घर 100 मीटर की दूरी पर इधर में है, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। कुछ लोगों को बोले कि भाई देखिएगा वो लोग लड़का कहीं जाए ना, जब प्रशासन के सुना कि पुलिस आ रही है, तो वो लोग जो है से अपने घर से निकल करके जो है अपने घर के बगल में बहन का घर है, गांव में ही है, और वो जा करके वहाँ जो है अपने बहन के यहाँ जा करके छुप गए। छुप गया तो मोटरसाइकिल जो है से प्रशासन बरामद किया जी, वहाँ कुछ डंडा भी जो था वो उन्होंने प्रशासन देखा, और एक आवेदन जो है बना करके प्रशासन को दिया गया है, और आगे अब प्रशासन कानूनी कार्रवाई क्या होता है और नहीं होता है, अब उसके लिए भी चूंकि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। इसमें तो एक बात आती है मुखिया जी, जैसे रमजान का महीना चल रहा है, हालांकि शराब तो पीना मुस्लिम लोग के लिए हराम है, लेकिन क्या समाज के तरफ से भी इसके ऊपर कुछ दबाव देने का कोशिश किया जाएगा या कानूनी कार्रवाई ही सिर्फ होगा क्या इसमें? समाज के तरफ से इनको दबाव होगा, समाज इनको जो है बहुत कड़ा समाज जो है एक्शन लेगा इसके लिए, मैं प्रयास करूंगा समाज के ओर से भी, और मैं आग्रह भी करूंगा कि ऐसे तत्व के लोग को कुछ लोग संरक्षण देते हैं जो मेरे ही समाज के लोग हैं, और वह राजनीति के भावना से, सियासत के भावना से करते हैं कि वह जो है ये बचेंगे या इस प्रकार से होगा, लेकिन हमें वैसा कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि चूंकि मैं सबसे पहले मुस्लिम हूं, उसके बाद मैं कुछ हूँ, तो मैं मुस्लिम हूँ, तो इसका जो है से कोई भी अगर हराम काम है तो उसको हराम काम को रोकने के लिए उसको पहला आवाज उठाने का मैं काम करता हूँ। यह मुझे आज पहली बार नहीं है, इस तरीका के जितने भी मामला होता है मैं उसमें पहला कदम उठाता हूँ, गलत के लिए मैं विरोध हूँ, मेरा
जो है यही कहना है। इससे पूर्व भी कभी ऐसा इसके पूर्व भी शराब के नशे में पाया गया? इसके पूर्व भी यहाँ पे इस तरीका से मामला होता है। जब लोग शराब के नशे में हो जाते हैं तो झगड़ा झंझट यहाँ पे होता है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। लेकिन आदमी सोच बहुत बड़ा समझाने का प्रयास किया लेकिन समझने का प्रयास नहीं है। यहाँ अब जो है जानलेवा हमला होने की संभावना है, इसके लिए यह जो है कार, जब चूंकि दबने का चीज नहीं है, हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन दबने का चीज नहीं है, इसलिए हम लोग जो है बाध होकर के कानून का सहारा लेना पड़ रहा है।